नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, टीम इंडिया का जो चयन है वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए वो आज हो चुका है। 2 बजे मीटिंग जो है वो समाप्त हुई है और टीम इंडिया का जो चयन था टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों के लिए ऐलान कर दिया गया है टीम का। और आप BCCI के ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से अभी मैंने ट्वीट देखा है कि तीनों प्रारूपों के लिए टीम इंडिया का जो चयन है वो फाइनल हो चुका है और कौन कौन जो नए खिलाड़ी हैं वो शामिल हुए हैं इसमें और किन किन पुराने चेहरों को टीम में दोबारा देखा गया है और किसकी वापसी हुई है, सारा कुछ अभी डिस्कस करने वाले हम लोग इस वीडियो में। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका मिला है पहली बार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल T20 की और T20 में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है उसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि विराट कोहली कैप्टन और रोहित शर्मा वाइस कैप्टन के रूप में टीम के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद में शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर और कुणाल पांड्या। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है T20 मैच में और उनकी जगह पर रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर स्पिन अटैक के लिए और राहुल चहर जो कि पहली बार T20 में आपको नज़र आएंगे और उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और दीपक चहार और नवदीप सैनी जो एक नया नाम है। वर्ल्ड कप पर एज ए प्रैक्टिस बॉलर के तौर पर गए थे नवदीप सैनी, जिनका कि अभी T20 टीम में सिलेक्शन हो चुका। और अब बात कर लेते हैं ODI टीम की कि ODI टीम में क्या बदलाव हुए हैं, वनडे में किन किन खिलाड़ियों को चुना गया और किसे आराम दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं विराट कोहली एज अ कैप्टन के रूप में दोबारा से जुड़ रहे हैं टीम के साथ में और रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और उनके बाद ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर, फिर रविंद्र जडेजा और यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जो कि T20 टीम का हिस्सा नहीं है और वनडे में खेलेंगे दोनों ही प्लेयर। और उसके बाद में केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और एक बार फिर से नवदीप सैनी जो कि T20 के बाद वनडे टीम में भी मौका दिया गया है नवदीप सैनी को। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट टीम के बारे में कि किन किन नए खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन कौन से पुराने खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी हुई है टीम में। सो बात कर लेते हैं टेस्ट टीम के बारे में। सबसे पहले विराट कोहली एज अ कैप्टन टीम के साथ जुड़ेंगे, उनके बाद में अजिंक्य रहाणे जो कि वाइस कैप्टन है टीम के, वो उनकी भी वापसी हुई है टीम में और उसके बाद में मयंक अग्रवाल जो कि ओपनिंग के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं पारी की और उसके बाद KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, रोहित शर्मा की वापसी हुई है टेस्ट टीम में और उसके बाद में ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर। और सबसे बड़ा जो चेंज है टेस्ट टीम में वो काफ़ी समय के बाद रिद्धिमान शाह एज अ विकेट कीपर टीम में वापसी कर रहे हैं। रिद्धिमान शाह काफ़ी समय के बाद वापसी हुई है और उसके बाद में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की भी वापसी हुई है टीम में। और आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा जो कि सेमीफाइनल में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था उनकी यहाँ पर तीनों प्रारूपों में वापसी हुई है। रविंद्र जडेजा जो कि वनडे, टेस्ट और T20 तीनों टीमों में वापसी कर रहे हैं और उसके बाद में कुलदीप यादव टेस्ट टीम में, उसके बाद में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव की भी वापसी हुई है टेस्ट टीम में। सो गाइज, आप लोग भी इस टीम के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या ये टीम सही है और क्या आपके हिसाब से और कुछ चेंज होने चाहिए थे, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और आगे ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।